ये स्टोरी उमा और किशन की है, जो बहुत ही कंजूस थे। राशन लाने में 2 सिक्के चले जाएंगे। आज खाना बनाना जरूरी है क्या निचोड़ के? अरे उमा चाची, छोटे का जन्मदिन था तो लड्डू बनाए थे हम। ये लो। अरे वाह विमलावती, हमारी तरफ से आशीर्वाद दे देना। जरूर चाची, दे देंगे। ये लो, हो गया अपने भोजन का प्रबंध। वाह 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 वाह, क्या बात है। अरे ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने इतने स्वादिष्ट लड्डू को खत्म कर दिया। इसने तो मेरी भूख मिटाने की जगह और बढ़ा दी। निचोड़ के, तुम्हारी भूख मिटाने के चक्कर में पोटली में रखी मुद्राओं का नामो निशान मिट जाएगा। थोड़ा नियंत्रण रखो। ठीक है, भूख पर तो नियंत्रण कर लूं, मगर इस जीभ पर से लड्डू का स्वाद और नाक से लड्डू की खुशबू जा ही नहीं रही है। चलो ध्यान भटकाने के लिए सो जाते हैं। लड्डू, अब तो रहा नहीं जा रहा। हाँ मुझे भी। ये रहे सिक्के और इस पर्ची में लड्डू बनाने का सामान लिखा है। थोड़ा थोड़ा ले आओ। वाह, तुमने तो मेरे पेट की बात छीन ली। मैं अभी आया निचोड़ के। वाह, खुशबू है। काकी ने लड्डू बनाए हैं क्या? लड्डू नहीं तो। कैसी बातें कर रहे हो, शायद किसी पड़ोसी ने बनाया होगा निचोड़ के। आदमी 2 और लड्डू 3। अरे पहले एक एक लड्डू खा लेते हैं। वाह, स्वादिष्ट। कैसे, इतनी मेहनत करके बनाया है मैंने और चट कर जाओगे तुम? अरे मगर लड्डू बनाने का विचार किसने दिया? मगर पैसे किसने निकाले? पैसे किसी ने भी दिए हो, मगर खाऊंगा तो मैं ही। नहीं मैं। अच्छा ठीक है, इसको आधा कर लेते हैं। ठीक है। नहीं नहीं, थोड़ा इधर। ये तो तुम्हारा हिस्सा बड़ा हो गया। अरे नहीं नहीं, छोटा तो है। ये सही है। नहीं, अब तुम ज्यादा ले रहे हो, थोड़ा इधर। नहीं इधर। उनकी आधा लड्डू खाने की योजना भी काम नहीं आई। आखिरकार उन्होंने एक शर्त रखी कि दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे और जिसके मुंह से पहला शब्द निकलेगा वो शर्त और लड्डू दोनों ही हार जाएगा। ये तो चुप रह नहीं पाती, ये शर्त तो मैं आराम से जीत जाऊंगा। कब तक चुप रहेंगे, इनसे तो मैं कुछ ना कुछ बुलवा ही लूंगी। कोई कुछ ना बोला और दोनों एक दूसरे की राह देखते देखते सो गए। उठ गया तो मुंह से कुछ निकल न जाए, सो जाता हूँ। अच्छा मैं भी सोती रहूंगी, ना उठूंगी ना कुछ बोलूंगी। हाँ।
अरे अभी भी दरवाजा बंद है। काकी, काकी, उमा काकी, दरवाजा खोलो। अरे क्यों दरवाजा पीट रही हो? गए होंगे कहीं? कहीं जाने पे दरवाजा खिड़कियाँ बाहर से बंद होते हैं, अंदर से नहीं। अंदर से बंद है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं? हम में से किसी ने भी उन्हें दो दिन से नहीं देखा। पाई पाई झूठ के दरवाजा तोड़ना होगा। अरे अपने किशन काका और उमा काकी कंजूसी के चक्कर में रोटी का निवाला तक नहीं तोड़ते, दरवाजा टूट गया तो क्या करेंगे? अरे इसका समय नहीं है, तोड़ो दरवाजा पाई पाई जोड़ के। अब तो एक ही उपाय है। आप लोग यहाँ हैं? काका, ओ काका, हैं? काकी, अरे इतना कुछ हो गया और इनकी नींद क्यों नहीं खुल रही? पाई पाई जोड़ के कहीं हमारा शक सही तो नहीं निकला? अरे जिसका डर था वही हुआ, पाई पाई जोड़ के। काका काकी नहीं रहे। क्या? नहीं। ऐसे कैसे हो गया? अब क्या करें? अरे कोई बचाओ काका काकी को। अरे पहले खुद को तो बचाओ। प्रभु। आग, आग तो खाट तक पहुंच गई। अरे उधर उठो, भागो। आखिर मैं तो जीत ही गई। नहीं, बचाओ बचाओ। अरे काकी का भी भूत। आग, भागो। अरे यहाँ कोई भूत भूत नहीं है, हम जिंदा हैं निचोड़ के। हाँ? अरे हाँ, ये तो सचमुच जिंदा है। देख क्या रहे हो? आग बुझाओ। हमारा लड्डू। अरे ये तो जल रहा है। उडांका विजयनगर का सबसे बड़ा व्यापारी था और सबसे बड़ा कंजूस भी, लेकिन उसने अपने बेटे को पालने में कोई कंजूसी नहीं की थी। बिल्कुल लाड प्यार से एक राजकुमार की तरह उसकी परवरिश की थी। अरे मेरे प्यारे बेटे, मेरे गिरने पर तुम्हें हंसी आ रही है तो मैं फिर से गिर जाता हूँ। पिताजी, आप गिरते हुए कितने अच्छे लगते हैं। सही कहा सरकार, इसलिए तो ये इतना गिरते पड़ते रहते हैं। चुप रहो। और मंगल, तुम अब तुम बड़े हो गए हो बेटा, बच्चों जैसी हरकतें करना बंद करो, अपनी शादी के बारे में सोचो। मुझे तुम्हारी शादी की बड़ी चिंता होती है पाई पाई जोड़ के। पिताजी, शादी विवाह के मामले में जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है, कन्या भी तो अच्छी मिलनी चाहिए। अरे कन्या तो एक
से एक है बेटा, तुम बस हाँ बोलो पाई पाई जोड़ के। वैसे तुम्हें कैसी कन्या चाहिए? ऐसी कन्या पिताजी जो बहुत बुद्धिमान हो, ताकि हमारे पैसों का अच्छे से हिसाब किताब रख सके। अगर कन्या खर्चीली निकली तो हमारा सारा पैसा खर्च कर दी। क्या? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। अरे मेरे बच्चे, तुम तो बहुत समझदार हो गए हो। पर बेटे, ऐसी कन्या मिलेगी कहाँ पाई पाई जोड़ के? पाई पाई जोड़ के नहीं पिताजी, जगह जगह खोज के। मैं हर जगह खुद जा जा कर ढूंढूंगा। मुझे यकीन है कि मुझे कोई ना कोई बुद्धिमान कन्या जरूर मिल जाएगी। हाँ, तो साथ में रमन को भी ले जाओ। हाँ, अच्छे से जांच परख के बुद्धिमान कन्या ही खोजना। मंगल घोड़े और रमन के साथ अपने लिए एक बुद्धिमान और योग्य लड़की खोजने के लिए निकल गया। अरे अरे, ये क्या किया? दिखाई नहीं देता क्या? घोड़ा संभाल नहीं सकती तो बैठे क्यों हो? उस लड़की को देखते ही मंगल ने मन बना लिया कि वो उससे ही शादी करेगा। लेकिन उससे पहले उसे ये जानना था कि वो लड़की बुद्धिमान भी है या नहीं। हे कन्या, तुम्हारी सुंदरता अद्भुत है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। देखने में तो तुम भी बहुत अच्छे हो, पर विवाह के लिए तुम्हें मेरे पिताजी से बात करनी होगी। वो भी कर लूंगा, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। अगर तुम्हें मेरी ये शर्त स्वीकार हो तो बोलो। शर्त? कैसी शर्त? क्या तुम इस अनाज से दाल, चावल, सब्जी और दही बना सकती हो? अगर तुम ऐसा कर पाओगी तभी मैं तुमसे शादी करूंगा। ये कैसी शर्त हुई? धन से दही और सब्जी कैसे बनेगी? मुझे नहीं करनी शादी। मंगल समझ गया कि लड़की को उसकी शर्त समझ ही नहीं आई और वो वहाँ से अपनी खोज में आगे निकल गया। इस तरह मंगल कई लड़कियों से मिला, पर उसकी शर्त का जवाब किसी के पास भी नहीं था। सरकार, थोड़ी देर विश्राम कर लेते हैं। चलते चलते पैर अकड़ गए हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, चुपचाप चलते रहो, कोई आराम नहीं होगा। जब देखो आराम ही करना है इसे। हाँ हाँ, समझ गया, तुम भी थक गए हो। चलो ठीक है, आज इधर ही विश्राम करेंगे। बाबा, हम यात्रा से बहुत थक गए हैं, क्या हम आज रात यहाँ रुक सकते हैं? रुक तो सकते हो बेटा, लेकिन हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं। आज तो चूल्हा भी नहीं जला। क्यों नहीं? आप लोग बिल्कुल यहाँ रुक सकते हैं, अतिथि की सेवा करना तो धर्म होता है। आप लोग विश्राम कीजिए, तब तक मैं भोजन का कुछ प्रबंध करती हूँ। मंगल को मोहिनी बहुत अच्छी लगी। सरकार, ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है। अच्छी तो है, पर मुझे ये देखना है कि ये बुद्धिमान भी है या नहीं। हे कन्या, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, तुम मुझे बहुत पसंद हो, लेकिन उसके लिए मेरी छोटी सी शर्त है। विवाह के लिए शर्त? क्या तुम बोरी में रखे अनाज से चावल, दाल, सब्जी और दही बना सकती हो? अगर तुम ऐसा कर पाओगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत आसान है। आप विश्राम कीजिए, तब तक मैं सब बना के रखती हूँ। मोहिनी की ये बात सुनकर मंगल हैरान तो हुआ,
पर यात्रा से वो इतना थक चुका था कि देखते ही देखते उसकी आंख लग गई और कुछ घंटे के बाद मोहिनी ने उसे जगाया। चलिए भोजन तैयार है। मंगल हैरान होकर देखता है कि उसने जो जो बोला था मोहिनी ने सब बनाया था। ये तुमने कैसे किया? ये बहुत आसान था। मैंने पहले धान को कूटकर उससे चावल निकाले, फिर थोड़ा चावल रखकर बचे हुए चावल बाजार में बेच दिए। उससे जो पैसे मिले उससे मैंने सब्जी, दाल, तेल और दही खरीद लिया। मोहिनी की बुद्धि देख मंगल खुश हो गया। वाह, तुम तो सच में बहुत बुद्धिमान हो। मैं तुमसे ही विवाह करूँगा। वो तो ठीक है, पर उससे पहले मेरी इच्छा भी तो जान लो। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ही मतलबी इंसान हो। देखो तुम्हारे घोड़े की हालत, और रमन इसको देखो, दोनों कितने थके हुए हैं, और तुम्हें इनकी कोई चिंता नहीं। पर फिर ये सब तुमने पहले क्यों नहीं बोला? ताकि तुम्हें ये न लगे कि मैं तुम्हारी शर्त पूरी नहीं कर सकती। समझ गया, तुम सत्य बोल रही हो, पर अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। मोहिनी की ना सुनकर मंगल दुखी तो था, पर उसे उसकी बात समझ में आ गई थी। वो कुछ सोचकर वहाँ से चुपचाप चला गया। और कुछ दिनों के बाद बैलगाड़ी से जाती हुई मोहिनी ने अपने घोड़े को प्यार से खिलाते हुए मंगल को देखा। सूरज सर पर आ गया है रामन, पहले कुछ खाकर विश्राम कर लो, फिर काम करना। अरे तुम? बस इधर से गुजर रही थी और तुम्हें देखा। तुम तो बिल्कुल बदल गए हो। हाँ, बस तुम्हारी उस दिन की बात समझ में आ गई। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या अब तुम मुझसे विवाह करोगी? मंगल अब बदल गया था, इसीलिए मोहिनी ने उससे शादी कर ली। और फिर उसने अपनी बुद्धि से उडांका और मंगल के पैसों का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा। अम्मा ये देखो, उधर मंगल को मोहिनी मिल गई और मुझे लाइक्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर चैनल मूर्ति मीडिया।